जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे VRO ग्रेप सेंटर पुणे व्हीकल मैकेनिक सिलेबस के बारे में। प्रीवियस में क्या क्या पूछा गया था और आपकी कट ऑफ क्या थी, मींस प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, कैटेगरी वाइज कितने प्रतिशत पर जारी हो गया था आपका रिटर्न एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड, और जो आप सबका एग्ज़ाम्स होने वाला है वो CBT होगा या OMR होगा, मींस कंप्यूटर बेस्ड या OMR सीट द्वारा होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, टाइम कितना आप सबको मिलेगा रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो के ज़रिए फुल्ली डिटेल्स, मींस कोई भी ऐसी आपकी जो क्वेरी है वो नहीं रहेगी, सेस नहीं रह पाएगी, सारे आपकी क्वेरीज़ को इस वीडियो के ज़रिए आउट करने वाले हैं। तो आप सभी चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप व्हीकल मैकेनिक सिलेबस देख सकते हैं, टोटल आप सबके 8 पॉइंट गिवन है, मींस जो आपके 8 नंबर से गिवन है, 8 टॉपिक्स गिवन है, इनसे ही आप सबके क्वेश्चंस आएंगे। बिकॉज जो VRO मेंशन करता है सिलेबस, उनसे ही मींस उन टॉपिक से ही आप सबके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में जो मींस 2022 में जिनका एग्ज़ाम्स हुआ था व्हीकल मैकेनिक के लिए, टोटल 293 पोस्टें थी जिनके लिए एडमिट कार्ड इशू किया गया था, उनमें कोई भी कट ऑफ्स नहीं थी, मींस कोई भी ऐसा नहीं था जिनका एडमिट कार्ड इशू ना किया गया हो, फॉर्म फिलअप किया हो। अच्छा, उनमें एक बात ये हो सकती है, आपका जो एडमिट कार्ड फिलअप किया है उनमें कोई समस्या रही हो, लाइक आपने फॉर्म को सही से फिलअप ना किया हो, या कोई डॉक्यूमेंट इशूइंग के कारण आपका एडमिट कार्ड जारी ना किया गया हो। बट ऑल ओवर अगर हम कट ऑफ्स की बात करें तो कट ऑफ्स ना के बराबर थी, कुछ भी आपका मेंशन नहीं किया गया था आपके रिटर्न टेस्ट के लिए। अब जो रिटर्न टेस्ट के बाद जब क्वालिफाई, मींस रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई के लिए जो आपका कट ऑफ बना था वो था आप सभी का 73 आपका रिजर्व था, और EWS का आपका 61 था, OBC के लिए 71 था, SC के लिए 60 और ST के लिए 58 था, और ये आपका रिटर्न के बाद था। जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, मींस आप सबका PET और आपका प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद जो फाइनल बनी थी, इनमें 2-2 नंबर्स ऐड कर दिया गया था, मींस आपकी फाइनल कट ऑफ बनी थी UR के लिए 75, EWS के लिए 63, OBC के लिए 73, SC की 16 और ST की आपकी 58, ये आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। ओके, अब बात कर लेते हैं आप सबका जो व्हीकल मैकेनिक का सिलेबस गिवन है, इनमें जो आपका पहला टॉपिक दिया है ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन्स, तो ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जो भी आपके पास बुक है, ये अगर टॉपिक है तो उसको आप पढ़ लेंगे, सब में एक ही जैसा मेंशन रहता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आप में सिलेबस मींस ये आपका टॉपिक है कुछ दूसरा दिया गया हो, तो ये लगभग सब में आप सबका टॉपिक अगर गिवन है तो दिया वही रहेगा, मींस जो सभी बुकों में है। नेक्स्ट है आप सभी का चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स, नेक्स्ट की बात करें तो वो आप सभी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल सिस्टम, जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के लिए आप SPD परचेस कर सकते हैं, या जो मैं कम्युनिटी में टैब आप सबको देता हूँ वहाँ से अगर आप टैब डे बाय डे मीन्स जितने हैं क्वेश्चंस आप राइट करते जाएंगे या उनको नोट करते जाएंगे तो आपके लिए फाइनली बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपका जनरल नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है आप सभी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड ब्रेक सिस्टम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लच सिस्टम है, और नेक्स्ट है आप सभी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ चेसिस। तो ये ऑल ओवर अगर हम सिलेबस की बात करें तो कैसे डिवाइड होता है, उनमें आप सबका जो ट्रेड थ्योरी है, मींस आप सबका TT के लिए टोटल आप सबका 80 से 85 क्वेश्चंस रहने वाले होते हैं, और अगर हम GK की बात करें, मींस GK में आप सभी का कितना होता है, तो ये आपका 15-20 क्वेश्चंस आप सबके GK से पूछे जाते हैं। ओके, तो ऐसे आप सभी का पेपर मींस बनता है। अगर हम इनमें टाइम टेकन की बात करें तो टाइम आपका 2 आवर्स मिलता है, मींस 2 घंटे आपको मिल जाते हैं, और इनमें अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैंने आप सबको बता ही दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं, और इनमें आप सभी का GK GS 15-20 और 80-85 आपका ट्रेड थ्योरी का होता है, और मैथ की बात आप सब कर रहे हैं तो मैथ नहीं पूछा जाता, मैथ का कोई वो नहीं होता, आपका ट्रेड थ्योरी और GK GS मींस जनरल अवेयरनेस कंप्लीट होना चाहिए, और बहुत ही नॉर्मल पेपर आता है, कोई ऐसा नहीं कि हार्ड रहता है, बट आप सबको प्रिपरेशन पहले ही करती रहनी है। अगर आप सबका ये भी क्वेश्चंस रहे सर इसके लिए मटेरियल आपके पास कोई भी बुक हो आप बुक से पढ़ते रहिए, या जहाँ से आपको मटेरियल मिलता है वो पढ़ते रहिए, कोई ऐसा मींस टाइम मेरे पास भी बहुत ही कम ही रहता है, और
इसलिए मैं इसके लिए वीडियो भी नहीं बना सकता, मीन्स आपके ट्रेड रिलेटेड। तो आप अपने बुक से इसको अध्ययन करते रहें, स्टडी करते रहें, और ये जो आपका सिलेबस गिवन है इनसे ही पूछा जाएगा और कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा। अब भी कोई डाउट है आपको अपने ट्रेड रिलेटेड, या कुछ ऐसा है जिनको आपको डाउट है मीन्स व्हीकल मैकेनिक में कि और क्या आ सकता है, और अब भी कोई जो हमने ऐसी बात है आपको नहीं बताई है आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आप सभी कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।